ये देखियो कितने कितने हो रहे हैं इसमें कोए। अभी तो डेढ़ फुट तो नीचे धरती में दब गई है, सारे गड्ढे भर दिए हमने मिट्टी से। अच्छा नहीं, इसमें जो है ना यहाँ मतलब कितने कोए चल रहे फिलहाल? ये 20-25 कोवे तो है जी, 20-25 के बीच में है एवरेज आ रहा है का। अच्छा अच्छा, तो गो वगैरह का तो कोई है नहीं इसमें? ना कोई रोग कुछ नहीं है जी, ना हमने इतना इसमें दवा पानी कुछ भी डाला। अच्छा ये देख लो भाइयों, ये रिंग पिट से बो रखा है, लाइन इस तरीके से नजर आ रही है कि जैसे मतलब ट्रंच का बो रखा हो, क्योंकि एक फुट की दूरी है, मिल सी रहा बस लगभग। हाँ जी है भाई। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से YouTube चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज ताना गांव में पहुंचे कार्तिक शर्मा के खेत पर, और किसान भाई ने रिंग पिट विधि से भाइयों खेत लगा रखा, और ये 11015 वेराइटी है भाइयों। ये देखो इस तरीके से खेत खड़ा, और वहां तक खेत है इनका, और ये कब की बुआई है और क्या क्या डोज दे दी अभी तक। ये देखो भाइयों इस तरीके से खड़ा, इसकी सारी जानकारी लेंगे किसान भाई से, इसी साल बोया कि पहले भी बोया था, और कौन कौन से बीज बो रहे और क्या क्या खुराक दे रखी, सारा कुछ जानेंगे। हाँ जी क्या हाल है जी? बढ़िया जी बढ़िया। अपना परिचय करा दो एक बार। नाम कार्तिक शर्मा है, पिताजी का नाम संदीप शर्मा, गांव ताना जिला सामने जी। तो भाई ये कब की बुआई है जो खेत है आपका? ये 17 अप्रैल की। अच्छा 17 अप्रैल की बुआई है। अच्छा तो इसमें और क्या था पहले? इसमें जय थी जी। अच्छा जय के खड़े खड़े बुआई कर दी थी? हाँ जी। अच्छा तो ये गड्ढे किस चीज से करे? ट्रैक्टर से करवाए थे। अच्छा डीगर से। हाँ जी। अच्छा तो किराए वगैरह पे लेकर आए होगे? हाँ जी हाँ जी। तो रिंग पिट का कब से कर रहे? ये दूसरी साल है जी। अच्छा पिछले साल कौन सा बीज बो रखा था? 95 था जी और 38 था। अच्छा रिंग पिट से ही थे दोनों? हाँ जी दोनों। तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया एक्सपीरियंस रहा जी, अभी बोया आपका। अच्छा बी 95 था और वो 38 था। 38। अच्छा तो ये बीज कहाँ से लेकर आए? ये बिजनौर से लाए थे जी। अच्छा ये बिजनौर से लाए बीज। तो अभी तक भाई कुछ रोग वगैरह की स्थिति है कि ना? कोई रोग नहीं है आज पाए कुछ नहीं। अच्छा मतलब 2.5 महीने का हो गया वो। अच्छा हाँ जी। तो आज एक बार दिखाऊंगा अंदर से। ये देखो भाइयों, ये रिंग पिट से बुआई कर रखी भाई ने, और ये खेत खड़ा इनका, ये देख लो जी। तो भाई जैसे मान लिया इसमें गड्ढे करे और बुआई करी इसकी, हाँ जी, तो इसमें डोज क्या कद रखी? बस बुआई पे यूरिया डाई और रिजेंट के दी थी जी बस, उसके बाद में 2 स्प्रे हुई। अच्छा 2 स्प्रे कर दी? हाँ जी 2 स्प्रे कर दी। नहीं कोई नजर आया था कीट? ना ना कीट काट कुछ नजर आया जी। अच्छा हाँ। वैसे ही कर दी? वैसे सावधानी। अच्छा तो ये कितना बीघा खेत है? ये 5.5 बीघा है जी। 5.5 बीघे में कितनी डाल दी थी वो रिजेंट? 2 थैली गिरी थी जी। अच्छा 2 थैली रिजेंट गिर दी थी, और डीएपी और यूरिया? वो भी एक दो डेढ़ धड़ी गिर था जी बस, बीघे के साथ। हाँ जी। अच्छा तो जैसा मान लें गड्ढे बनाए भाई, इसमें कंची कितनी कितनी डाल रखी है आपने? ये 13-14 कंची गिर रखी जी एक होड़ में। दो एक की 13-14। अच्छा और दूरी की बात करें तो दूरी कितनी है? 1 फीट की दूरी है जी गड्ढे से गड्ढे की। अच्छा ये गड्ढे से गड्ढे की तो 1 फीट की। हाँ जी। और ये लाइन से लाइन की? लाइन से लाइन की है जी 5 फुट। अच्छा ये 5 फीट की दूरी रख रखी। तो ट्रैक्टर अपना इसी हिसाब से गड्ढे कर दे? हाँ जी। अच्छा तो ये तो होगी भाई इसकी खुराक की बात, आज एक बार चेक कराइए इसके मेढे वगैरह कैसे हो रहे। ये देखियो कितने कितने हो रहे हैं इसमें कोए। अभी तो डेढ़ फुट तो नीचे धरती में दब गई है, सारे गड्ढे भर दिए हमने मिट्टी से। अच्छा हाँ जी। नहीं इसमें जो है ना यहाँ मतलब कितने कोवे चल रहे फिलहाल? ये 20-25 कोवे तो है जी, 20-25 के बीच में है एवरेज आ रहा है का। अच्छा अच्छा तो गो वगैरह का तो कोई है नहीं इसमें? ना कोई रोग कुछ नहीं है जी, ना हमने इतना इसमें दवा पानी कुछ भी डाला। अच्छा ये देख लो भाइयों, ये रिंग पिट से बो रखा है, लाइन इस तरीके से नजर आ रही है कि जैसे मतलब ट्रंच का बो रखा हो, क्योंकि 1 फुट की दूरी है, मिल सी रहा बस लगभग। हाँ जी है भाई। हाँ जी मिल सी रहा या नहीं? हाँ जी। तो बीज जो है अभी तक तो ठीक चल रहा है? बढ़िया चल रहा जी, आगे भी बढ़िया चला। अच्छा ठीक बीज नजर आ। हाँ हाइट बहुत अच्छी लेकर चल रहा है अभी फिलहाल, जैसे मान लिया अप्रैल की बुआई है? अप्रैल के भी आधे की बुआई है जी। 17 अप्रैल बता रहे ना? हाँ जी। हाँ हाइट ठीक चली, हाइट अच्छी हो गया इसकी? हाइट भी ठीक हुआ है। हाँ अच्छा।
और जहाँ से लेकर आए थे वहाँ कैसा खड़ा था? मतलब भाई बढ़िया खड़ा था जी, मेल लग रही थी। अच्छा, तो उत्पादन के बारे में कुछ पता करा किसान से, क्या उत्पादन था? उसने सिंपल में थड़ते वो रखा था जी, 28 इंच पे। अच्छा, वो कह रहा था हमारा 95-96 का निकला, ये निकल गया। हाँ जी। अच्छा, और आपका रिंग पिट से है? हमारा रिंग पिट। तो इसमें तो उम्मीद कुछ ज्यादा कर सका है फिर? हाँ जी। या नहीं, उम्मीद तो है ज्यादा की। हाँ, तो हमने कुछ गेरा भी नहीं, दवाई पवाई ज्यादा डाल ली नहीं, बबुआई पर डाल दी थी। बबुआई पर डाल दी थी जी। अच्छा, उसके बाद यूरिया कितनी बार दे दिया इसमें? एक बार ही गेरा जी बस। अच्छा, एक बार यूरिया गिर दिया। हाँ जी। तो उसमें वो खाली गिर दिया था? नहीं, उसमें भी थोड़ी डाई मिलाई थी। अच्छा, दोबारा में? हाँ जी। जमने के बाद? हाँ जी। कीटनाशक कुछ नहीं गिरा? ना, कीटनाशक तो स्प्रे करी थी जी बस। अच्छा, स्प्रे किस चीज की करी? क्लोरो और लैम्डा। क्लोरो लैम्डा ही करी? हाँ जी बस। अच्छा, तो भाई ये देखो क्लोरो लैम्डा करी, आज दूसरे खुड में आवे एक बस, ये देख लो जी इस तरीके से लाइन हो रही, बिल्कुल ट्रंच की तरह नजर नहीं आ रहा कि ये ट्रंच का है कि ये रिंग पिट है। तो भाई जैसे मान लिया रिंग पिट की विधि से आपने लगाया, पिछले साल लगाया था, आपको कैसी नजर आ रही है, या मान लिया कितनी मेहनत है, क्या खर्चा आ जा, या विधि कैसी लगी आपको? विधि बढ़िया है जी। अच्छा, कोई कमी नहीं है, मेहनत भी ज्यादा है, थोड़ा खर्चा भी ज्यादा है इसमें। हाँ जी। अच्छा, मतलब ऐसे ही फिर बाद में आराम है? मतलब क्या सोच कर लगाई कि 5-7 साल ऐसे ही चल जाए? जो चल गया तो फिर तो फायदा है नहीं, कोई फायदा नहीं। अच्छा, तो अब जो वो दूसरा थारा इस साल मुड्डा है, हाँ जी, उसका कैसा जमाव आया फिलहाल? जमाव बढ़िया हो रहा जी। उसका भी बढ़िया फूट रहा। अच्छा, और वो रिंग पिट का लगा रखा था, उसका क्या लिखा रहा था? रिंग पिट में तो लगा रखा था वो? नहीं नहीं, उसका मतलब क्या लिखा रहा था बोर्ड का? वो 120+ लिखा था P95। हाँ जी। अच्छा, उसे देख के और फिर ये भी रिंग पिट से लगाया? हाँ जी। 11015 भी? अच्छा, ये देखो भाइयों, ये इस तरीके से भाइयों खेत खड़ा है इनका। फिलहाल तो हाइट चल रही ठीक पत्ती हो रही, 5 बारिश भी तो नहीं आ रही थी जी। नहीं, हमारे यहाँ तो बूंदाबांदी सी आई, अभी तक बारिश तो हुई नहीं। वही तो कह रहा, बारिश भी तो नहीं हुई, ठहरी जी भी चल गई आगे। हाँ, बारिश हुई नहीं बिना। अच्छा, बारिश के कहा चल जाए। ये थोड़ी बहुत पत्ती का इस पर भी आया हीट का असर है? हाँ जी, गर्मी ज्यादा थी, सबकी पत्ती सूख रही। हाँ, नहीं 38 पर तो एक आधी दिख है बस, ज्यादा नहीं है। हाँ, 38 पर ज्यादा आया, 38 पर ज्यादा है, उस पर ज्यादा आवे। ठीक ठीक। तो भाइयों ये देखो जी, इस तरीके से गन्ना है। अभी गन्ने की मोटाई तो उतनी बहुत ज्यादा है नहीं, मोटाई बनेगी जी बढ़िया, मिट्टी करी है ना। अच्छा, ये बूंदाबांदी सी तो पहले ही मिट्टी करी है। अच्छा, मिट्टी करी गड्ढों में? हाँ जी। कुछ और होगी जी, फूल लगा गन्ना बढ़िया। हाँ। अच्छा, जैसा मान लिया इसकी ये चौड़ाई है 5 फुट की। हाँ जी। जुताई किस चीज से कर रही? झुट्टे से करी जी हमने तो। अच्छा, झुट्टे से कंट्रोल कर लो। हाँ जी। इसके गड्ढे वगैरह निराई करवा के? हाँ जी। तो फिर झुट्टे से फिर मशीन है जी हाथ की, कर ले। अच्छा, और कंट्रोल में नहीं होता। ठीक ठीक। और जैसा मान लिया भाई इस बीज की हाइट ज्यादा बनेगी, तो अब अंधाई का क्या सिस्टम रखोगे? गिनते तो यही नहीं जी, रिंग पिट में गिनने करने जी, 1.5-2 फुट नीचे दबागा मिट्टी में, फिर कुकर गिर जाएगा। अच्छा, मारा वो 15-16 फुट का गंडा होता पीपी चाड़ का। अच्छा, बिल्कुल सीधा खड़ा था, तुमने देखा था? हाँ हाँ, उसे वो तो सीधा था भाई। हाँ जी। और छोटे छोटे मेढे थे उसके? हाँ जी। सिंगल मेढा बांध रखा था? सिंगल मेढा, एक गड्ढा बना था बस, वो भी उड़ जाएगा बस। अच्छा, तो ये भी लाभ मिलेगा रिंग पिट का है? हाँ जी। अच्छा, तो जैसा मान लिया रिंग पिट सा बो रहे, कुछ बीज का बीज में कम लग जा के और क्या क्या फा? फालतू लगा जी इसमें। अच्छा, कम नहीं लगता? ना ना। अच्छा, 8 क्विंटल का बीघा लग जा बीज। अच्छा, 15 इसमें। अच्छा अच्छा, वो लगा 4.5 क्विंटल 5 क्विंटल शादी बुआई में 28-30 इंच में। अच्छा, इसमें फालतू लग गया? इसमें फालतू लग गया। अच्छा, और मान लिया लेबर का कुछ खर्चा और अलग से कुछ खर्चा भी हुआ है इसमें अलग, कैसे है सिस्टम इसका? वो यह खर्चा तो गड्ढे तक गड्ढे मिलाने में लेबर लगा है, उसमें टाइम लगा है। जो नाली बनाओ इसकी में? नाली बनाना है जो। अच्छा, वो ट्रैक्टर से तो करा ही लिया, फिर उसके बाद नाली बनानी पड़ेगी, गड्ढे भी साफ करने, गड्ढे साफ करने पड़े जी। अच्छा, तो जैसा मान लिया ये बीज की आपने बुआई करी, इसका बीज का भी ट्रीटमेंट करा था कुछ, वैसे ही बोया? नहीं, वैसे ही बोया था जी। तो अच्छा, मतलब कोई दवाई वगैरह लगाई हो, घोड़ वगैरह करके? वो नहीं करा, शादी बो रखी, वैसे ही लेट हो रही थे तो। अच्छा, लेट हो गए थे तो बस बढ़िया चल रहा है भाई अभी तो? हाँ जी। ये देखो भाई, ये 11015 वेराइटी है और रिंग पिट विधि से बो रखा है भाई ने, कार्तिक भाई ने, और पिछले साल इन्होंने रिंग पिट से ही बोया। रिंग पिट का पिछले साल अपना जो है ये तजुर्बा कर कर इस साल फिर रिंग पिट से लगाया, और इस साल 11015 वेराइटी लगाई भाइयों। 5-5.5 बीघा खेत है, पिचाड़ में भी लगा रखी है अगली बार भी।
अच्छा पीपी चाण है, इस साल बोर्ड भी है। हाँ जी, मुड्डा भी है, बोर्ड भी है। अच्छा वो पीपी चाण में कौन सी विधि? वो ट्रंच तो बोया जी अब। अच्छा वो ट्रंच से बोया। हाँ जी, उसका क्या कारण रहा ट्रंच से बोने का? वो लेट हो गए थे जी उसमें प्रिंग फिट के लिया। अच्छा समय नहीं था। हाँ जी, तो फिर ट्रंच से बो दिया। हाँ जी। उसकी जुताई कैसे करो? उसकी जुताई भी जोटे से हुआ जी, सब जोटे से कवर कर लो। हाँ जी। नहीं जैसा भाई किसान ये कहे भाई तो होता ही नहीं कवर जोटे से, ट्रैक्टर चाहिए। ना ना ना, अच्छा जोटे से सही कर लो। कर ये देखो भाई, रिंग पिट और ट्रंच की विधि से भी बोया इस साल और झोटे से ही कवर कर रहे, और बहुत ही लगनशील किसान है भाइयों। पिछले साल जो पीवी 95 वैरायटी थी बहुत ही जबरदस्त थी, एरिया में इनका रुका रहा उस खेत के बारे में। तो भाइयों ये आज इनका 11015 वैरायटी का खेत दिखा, ये देखो इस तरीके से खड़ा, और बहुत ही शानदार खेत खड़ा भाइयों। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।